दिलीप दोषी जो होते हैं वो मेरे बड़े हमेशा इतना अच्छा दोस्त रहे और हम लोग बड़े फैमिली फ्रेंड्स भी थे, क्योंकि वो जब खेलते नॉटिंघम से खेलते थे, फिर उन्होंने वॉरिक शहर से भी है ना काउंटी क्रिकेट खेली, तो हम अक्सर मिलते थे घर में, फैमिली मिलना जुलना था, मेरा दोस्त भी अच्छा था। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि आप क्या पूछ रहे थे, तो मैं जब बेंगलोर में मैच हो रहा था तो वो एक तो टांग पे वो गेंद करे जा रहे थे और मैं पैड मारा जाता था, पैड मारे क्योंकि वो खेलना तो मुश्किल, और इतनी टर्निंग विकेट थी। तो उस वक्त तो मैंने एक ऐसे अल्फाज किया, मैंने कहा सुनील गवास्कर को, मैंने कहा दुनिया में मैंने दो हस्तियां देखी हैं जो टांग पकड़ती है, एक तो कुत्ता पकड़ता और एक है ना दिलीप ने मेरी टांग पकड़ी हुई है। तो उसमें वो बड़ा अच्छा था और बॉल उठा के बाद तो ये जोक होते रहते थे ऐसे ही है ना। मैं फिर पूछता था तेरा रूम नंबर क्या है, दिलीप रूम नंबर, रूम नंबर तो गवास्कर, हमेशा गवास्कर, हम लोग भाइयों की तरह थे। गवास्कर पूछता था कि क्या क्या क्या, तो मैं पूछ रहा था तो उसने गवास्कर से पूछा कि भाई ये क्या बोलता है। तो उसने बोला कि ये मैं पूछे जा रहा रूम नंबर क्या है, रूम नंबर क्या। तो दिलीप को कहा तू बता दे इसमें क्या है, तो भाई तो मैंने बोला कि हाँ दिलीप तेरा रूम नंबर क्या है, तो उसने नंबर बताया। तो मैंने कहा दो चार फील्डर तू वहाँ भी ले ले, वहाँ भी फिर भी मैं मारूंगा बॉल। तो हमारे ये मजाक चलते रहते थे, इसको कभी भी उस लेवल पर नहीं ले, बहुत इंडिया में यानी कि पाकिस्तान और इंडिया में हम एक टाइम पे इतने क्लोज आ रहे थे, इतने क्लोज आ गए थे कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। जब इंडिया में पाकिस्तान में जब मैचेस हो रहे थे, इंडिया से लोग आए हुए थे, आप वो जाते वक्त इतना कह के गए थे कि ये हॉस्पिटैलिटी हम आपको रिटर्न नहीं कर सकते। जिस तरीके से हमारा ख्याल, पंजाब से लोग आए हुए थे लाहौर में मैच में, लोगों ने लाहौर में अपने घरों में ठहराया, होटल क्योंकि सारे बुक थे कि नहीं आप लोग आ जाओ। अब इतना खुश मैं आपको बता नहीं सकता। देखें वो चीज़ें वापस आनी चाहिए। मैं इंडिया में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉपुलर, लोग मुझे वेलकम था, मैंने वहाँ जी टीवी पे कितने प्रोग्राम किए, मैं लोगों के घरों में जाता था, मियांदाद आपके घर में, ये मेरा है ना वो उसका जी टीवी के ऊपर हमारा ये प्रोग्राम का नाम था। मैं दिन में घर में जाता था, लोगों से मिलता था, खाना खाते थे, उसके बाद उनसे बातें करता था, शेयर करता था। फिर हमने रोडों पे, मैंने बॉम्बे में, मैंने कलकत्ता, हर जगह स्ट्रीटों पे फंक्शंस किए थे, लोग मुझसे सवाल जवाब पूछते थे, हम क्वेश्चन आंसर करते थे हर चीज। तो मेरा वो पंजाब में मैं गया, यानी कि मैंने कोई 14 है ना वो किए थे, आप जी टीवी पे जाके पूछेगा 14 रिकॉर्डिंग हर पूरे इंडिया में मैं घुमा था। और हमने ना बड़ा इंजॉय किया था, लोगों ने इंजॉय किया था, बड़े बड़े लोग आते थे, हम हैदराबाद दक्कन गए, वहाँ पर लोग शायद आए कितने। तो ये इतना अच्छा एक पूरा सेट बनाया था जी टीवी ने कि मियांदाद आपके घर में, और इतना अच्छा वो स्क्रिप्ट किया था कि काश वो आप देखें। और मैं बिल्कुल जी टीवी को कहना भी चाहता हूँ, वो क्लिपें आपके पास हैं तो वो ज़रूर बताएं कि मैं जब आया था आपके लिए, मैंने शो किए थे और लोगों ने कितना इंजॉय किया था, हम कितने अच्छे लेवल पे करते थे, घरों में जाते थे, लोगों को बैठ देते थे, साइन बाइंड मी, आई यूज़ टू गो टू देयर हाउसेज, जो जीतते थे चाय मिलाते थे वहाँ, पूरे लोग जमा हो जाते थे, पुलिस इन्वॉल्व होती थी, इतना क्राउड होता था। तो आई हैड अ लवली टाइम, हमने बड़ा एंजॉय किया और इंडियन टीम ने भी।